Hi kids, hello, how are you? I hope you will totally fine and fit. So I am again come in front of you, but today I am going to tell about how do we write number 7. Come on, let's start number 7. Iske pehle aapne 1 to 6 number tak learn kiya. Usko आपने लिखना भी सीखा कि कैसे हमें 1 टू 6 नंबर लिखना है, बट आज आपको हम नंबर 7 बताएंगे कि कैसे लिखना है. सो लेट्स स्टार्ट नंबर 7. व्हिच नंबर इज दिस? दिस इज नंबर 7. 7 नंबर को लिखने के लिए हम किस पैटर्न का यूज करेंगे? स्लीपिंग देन स्लैंटिंग, जो कि आपने पैटर्न्स में सीखा है. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हमें 7 नंबर कैसे लिखना है. सीधा शीट, इसमें आपको 7 नंबर ट्रेस करना है. बट कैसे? सबसे पहले हम स्लीपिंग लाइन खींचेंगे, देन स्लैंटिंग लाइन. स्लीपिंग लाइन के लिए मैंने आपको बताया था लेफ्ट टू राइट ले जाते हैं, और स्लैंटिंग लाइन के लिए अप टू डाउन ले जाते हैं. तो सबसे पहले हम स्लीपिंग लाइन लेफ्ट टू राइट, देन स्लैंटिंग लाइन अप टू डाउन करते हुए सारे 7 नंबर को ट्रेस करेंगे. जब आप इतने सारे नंबर को ट्रेस करोगे तो आपको 7 नंबर इजली आप लिख लोगे. तो सबसे पहले स्लीपिंग देन स्लैंटिंग. ओके, सो आप पेंसिल के हेल्प से स्लीपिंग एंड स्लैंटिंग को करते हुए 7 नंबर राइट करेंगे. नेक्स्ट शीट आप देख रहे हो, इसमें भी आपको सारे 7 नंबर को डॉट्स की हेल्प से ट्रेस करना है. ये डॉट्स हैं जिसमें आप प्रैक्टिस करोगे, और इसको आप जब करोगे तो आपको स्लीपिंग और स्लैंटिंग की हेल्प से 7 लिखना आ जाएगा. तो आपने 2 वर्कशीट देखी जिसमें आपको क्या करना है, ट्रेस करना है, 7 नंबर को ट्रेस करना है. तो 1 2 3 4 5 6 7. ओके, नाउ नेक्स्ट वर्कशीट इज, इसमें आपको 7 नंबर को इनसर्कल करना है. यहाँ पर कुछ मैंने नंबर्स दिए हैं आपको, तो उसमें आपको क्या करना है, 7 नंबर को फाइंड आउट करना है, देन उसको इनसर्किल करना है. फिर उसको आप काउंट करिएगा कि यहाँ पर कितने मैंने 7 को इनसर्किल किया है. तो इंटरेस्टिंग है ना ये वर्कशीट. इसमें आपको क्या है, 2 फायदे हैं. एक तो आपको रिकॉग्नाइज करना भी आ जाएगा कि 7 नंबर कैसा है, कौन सा है, और आप काउंट भी कर लोगे. देन नेक्स्ट वर्कशीट इज, इसमें आपको काउंट करना है कि आप देख रहे हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स मैंने बना के दिए हैं, इन ऑब्जेक्ट्स को आपको 1 by 1 काउंट करना है. देन जो आपको स्क्वायर का बॉक्स दिख रहा है उसमें उस नंबर को राइट करना है. जैसे 1 2 3 4 5 6 7, 7 डॉगी फेस दिए हैं, तो यहाँ पर आपको काउंट करके 7 नंबर स्क्वायर के अंदर लिखना है. ऐसे ही आपको एप्पल को काउंट करना है, ऐसे ही आपको नीचे हॉर्स को काउंट करना है, देन ऐसे ही आपको ये जो बना हुआ है क्वाइन, इसको आपको काउंट करके यहाँ पर क्या लिखना है, 7 नंबर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उसमें आपको उस नंबर को लिखना है. ओके, इसमें आपको कलर नहीं करना है. देन नेक्स्ट एक्टिविटी है आपकी, इसमें आपको उन नंबर को सर्किल करना है जितने ऑब्जेक्ट हैं. इसका मतलब है कि इसमें भी हमको काउंट एंड राइट वाला, काउंट एंड सर्किल वाला सिस्टम करना है, क्योंकि इसमें आपको जो ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं उनको पहले आपको काउंट करना है, देन जितने ऑब्जेक्ट हैं उस नंबर को आपको सर्किल करना है. जैसे इस 4 देखिए, 1 2 3 4 5, 5 इस 4 हैं, तो हमें 3 नंबर नीचे दिए गए हैं, 4 5 एंड 7, उसमें हमको क्या करना है, 5 नंबर को आपको सर्किल करना है. इसी तरह आपको सारे ऑब्जेक्ट देखने हैं. 3 सर्किल हैं तो 3 नंबर को, 2 स्क्वायर हैं तो 2 को, फिर आप सर्किल देखिए जितने हैं, जितने ट्रायंगल जितने स्क्वायर हैं उसको आपको सर्किल करना है. नेक्स्ट एक्टिविटी इज, मैच द नंबर विद द ग्रुप हैविंग सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स. अब इसमें आपको, आपको देखिए बीच में सर्किल में 7 बना हुआ है, और इधर 4 ऑब्जेक्ट, 4 ग्रुप्स दिए गए हैं जिसमें ऑब्जेक्ट बने हैं. आपको ऑब्जेक्ट्स को काउंट करके उनको 7 नंबर से मैच करना है. मतलब जिसमें 7 ऑब्जेक्ट बने हैं उसको बीच में जो 7 सर्किल दिया गया है उससे उसको आपको क्या करना है, मैच करना है. ओके, सो आप इन एक्टिविटीज़ को करिएगा और 7 लिखने की प्रैक्टिस करिएगा. सो आज आपने कौन सा नंबर लर्न किया, 7. आपको 7 लिखने का प्रैक्टिस भी मैंने बताई, और उसको एक्टिविटी के थ्रू भी बताया, वर्कशीट भी मैंने आपको दी. तो आई होप दिस टॉपिक इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू.
And your homework is learn the number 7 and all exercise done by neatly and colorful. This is all for today. Thank you for watching this video. May meet next day. Till then, bye bye. So, आप इन एक्सरसाइज को अच्छे से करिए, लर्न करिए और इनकी प्रैक्टिस बार बार करिए. थैंक यू सो मच. बी सेफ, बी सिक्योर, स्टे एट होम. ओके, हैव अ नाइस डे.